हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासेस में हम लोग देख रहे हैं पेपर टू के डिस्कशंस। और इस पेपर टू में बेसिकली हम लोग देख रहे थे हमारा जो इनिशियल टॉपिक्स है जो फिजियोग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें हम लोगों ने शुरुआती दिनों में पहले हम लोगों ने इंडियन टोपोग्राफी के बारे में बात किया था और फिर अल्टीमेटली क्लाइमेट एंड ऑल दैट चीजों के बारे में बात किया हुआ था। इसी कंटिन्यूएशन में हम लोग आज देखने वाले हैं वेजिटेशन की क्लास, देखेंगे आखिर में वेजिटेशन से रिलेटेड क्या कुछ है और इससे रिलेटेड क्या क्लासिफिकेशन डिफरेंट ज्योग्राफर्स के द्वारा दिए गए। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर अवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रिलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल कोर्स एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा देखिए ज्योग्राफी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जिसको कि आप लोग recognitionis@gmail.com पर ईमेल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर हम लोग सिलेबस वाइज देखा जाए तो हम लोगों ने इन सारे सिलेबस को कवर करके रखा है, जिसमें हम लोगों ने एक टॉपिक स्किप किया हुआ है जो कि हम लोग देखेंगे जब फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड डिस्कशन, वहां पर हम लोग देखेंगे कोपेन क्लासिफिकेशन, थॉर्नवाइट क्लासिफिकेशन और ट्रवार्था क्लासिफिकेशन क्या कुछ है और उससे रिलेटेड इंडिया की क्लासिफिकेशन कैसे की गई है। आज हमारा टॉपिक होने वाला है नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड। ये दो पार्ट में वीडियो आएगी, एक पार्ट हम लोग आज देखने वाले हैं, दूसरे पार्ट में हम लोग इसी के कंटिन्यूएशन में ही स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ ह्यूमन से रिलेटेड, ह्यूमन ज्योग्राफी जो बेसिकली पेपर टू में है उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गई, इंडस्ट्री हो गई, रिसोर्स हो गए, पॉपुलेशन हो गई, कल्चरल ज्योग्राफी एंड सेटलमेंट से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। तो कोशिश हमारी यही है कि हम लोग बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और वन और टू डे का भी आगे बफर ले सकते हैं, तो देख सकते हैं हम लोग कोशिश करेंगे फटाफट इसको कंप्लीट करने की और फिर हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पेपर वन पे आ जाएंगे। स्टार्ट करें अगर हम लोग आज का टॉपिक, तो हम लोग देखेंगे बेसिकली वेजिटेशन के बारे में। वेजिटेशन में भी अगर बात किया जाए तो ये वेजिटेशन बेसिकली एक कह लीजिए कि फंक्शन है। किसका फंक्शन है? दिस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो ये बेसिकली इनका फंक्शन होता है और उसका ही एक क्यूमुलेटिव या आफ्टर इफेक्ट देखने को मिलता है हमें वेजिटेशन के फॉर्मेट में। इस वेजिटेशन के हम लोग बेसिकली जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग करते हैं फॉरेस्ट की स्टडी। तो यहां पर बेसिकली आप देख सकते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी विद द रिलीफ एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। इट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर। यानी कि हम लोगों ने जो क्लाइमेट का चैप्टर पढ़ा था और वहां पर हम लोगों ने जो अपनी प्रेसिपिटेशन की या कह लीजिए कि जो हमारी रेनफॉल का हम लोगों ने मैप ड्रॉ किया था वो यूज में आने वाला है। इसके अलावा जो रेडिएशन या फिर कह लीजिए रेडिएशन का मतलब कि जो सोलर रेडिएशन आती है सन से, जिसके कारण से जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, दैट इज गोइंग टू बी यूज हियर इन द कैटेगराइजेशन ऑफ द टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो हम लोग देखेंगे इस पूरे के पूरे टाइप को। द प्रेजेंट वेजिटल कवर हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। इनफैक्ट अगर थोड़ी सी अगर हम लोग पहले के कंडीशन में जाएं तो यहां पर अगर हम लोग देखें एक बार फटाफट एक ओवरव्यू देखा जाए तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रॉपिक्स। जैसे ये देख सकते हैं कि ये इक्वेटर के पास में जो एरिया है ये इक्वेटोरियल एरिया हो जाती है। यहां की खासियत ये है कि यहां का टेम्परेचर भी काफी हाई होता है और रेनफॉल भी यहां पर काफी हाई होती है। यहां पर एक तरीके से कह लीजिए कि जो है वो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं 30 डिग्री या 40 डिग्री तक नॉर्थ और साउथ में, तो हमें एक ट्रॉपिकल एरिया देखने को मिलता है जहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है लेकिन रेनफॉल वेरिएशन देखने को हमें मिलता है। लेकिन अगर हम लोग थोड़े से पैलियोक्लाइमेटिक एज में जाएं, मतलब कि जब उस समय क्लाइमेट डेवलप हो रहा था उस समय जाएं अगर, तो हमारे इंडिया में ही अगर देखेंगे तो हमारे पास अलग अलग तरीके की वेजिटेशन देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए, इन इंडिया वी हैव काइंड ऑफ डिफरेंट टोपोग्राफीज। जैसे एक टॉप पे आएंगे तो हमारे पास हिमालयन बेल्ट हमें मिलती है, दिस इज द हिमालयन बेल्ट। इस हिमालयन बेल्ट के एक साइड में आपको डेजर्ट एरिया मिल जाता है जो राजस्थान के पास होता है और दूसरा गंगा यमुना प्लेन मिल जाती है, दिस इज गंगा यमुना प्लेन। और सिमिलरली यहां पर जो है ब्रह्मपुत्रा प्लेन, या फिर हम लोग इसको कट शॉर्ट करके बोल सकते हैं दिस इज ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया।
इसके बाद साउथ में हमारी डेक्कन का एरिया आ जाता है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। और यहां पर एक रीजन छोटा सा आ जाएगा, दिस इज द मालाबार रीजन, जो कि थोड़ा सा अलग होता है। और लास्टली हमारे कैटेगराइजेशन में आ जाती है हमारी जो आर्चिपेलागो है, दैट इज द अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। तो ये बेसिकली एरियाज हैं। अगर यहां पर हिमालयन बेल्ट के साइड में अगर हम लोग देखें तो ये वो इलाका है जहां पर एक कैनोपी पाई जाती है। कैनोपी कहने का मतलब यहां पर ये है कि यहां पर लेयर्ड फॉर्मेट में पौधे या फिर पेड़ मिलते हैं, फॉरेस्ट मिलते हैं। लाइक सबसे नीचे के लेवल पर जब आ जाएंगे तो आपको अलग टाइप के पेड़ दिखेंगे, जैसे ही ऊपर जाएंगे टेम्परेट टाइप के दिखेंगे, और उसके ऊपर जाएंगे तो कोनीफेरस और अल्टीमेटली अल्पाइन ओरिजिन के वेजिटेशन मिल जाते हैं। वही अगर हम लोग पेनिनसुलर इंडिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर थॉर्नी और डेसीडुअस टाइप के हमें पौधे मिलते हैं, यहाँ पर इस तरीके के हमें वेजिटेशन या फॉरेस्ट कवर देखने को मिलती है। तो वही चीज यहाँ पर कहा गया है कि जो अकॉर्डिंग टू पैलियो बॉटनिस्ट मोस्ट ऑफ अवर हिमालयन एंड पेनिनसुलर एरियाज आर कवर्ड विद द इंडिजिनस और एंडेमिक फ्लोरा, वाइल द इंडो गैंगेटिक प्लेन एंड द थार डेजर्ट कंटेन प्लांट स्पीसीज दैट हैव कम जनरली फ्रॉम आउटसाइड। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो एरियाज है जहां पर रेगुलरली एक तो क्लाइमेटिक इफेक्ट होता है, दूसरा एक्सटर्नल एजेंट लगातार इस एरिया में इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो विंड हो, चाहे रिवर हो, चाहे वाटर हो, चाहे कुछ भी हो। तो इस तरीके से एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं, नंबर वन। नंबर टू यहाँ पर सीन ये रहता है कि ये एक ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड करता है जहां पर ऑलमोस्ट हर टाइप की वेजिटेशन यहाँ पर जर्मिनेट हो सकती है, यानी यहाँ पर जो है हर टाइप की क्लाइमेट, या कह लीजिए कि हर टाइप की वेजिटेशन यहाँ पर एक कह लीजिए कि इन्वायरमेंटल कंडीशन इसको ऐसी मिल जाती है कि ये यहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से हमें रेगुलरली अलग अलग तरीके की चीजें देखने को मिलती है। इनफैक्ट अगर वेजिटेशन में भी देखेंगे तो हमें यहाँ पर मिक्स टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें एवरग्रीन भी होता है, मॉइस्ट भी होती है, ड्राई भी होती है, डेसीडुअस भी होती है, अल्पाइन ओरिजिन भी होती है, कोनीफेरस भी होती है, हर तरीके की चीजें होती हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें माउंटेन भी मिल जाती है जिससे एक कह लीजिए लो टेम्परेचर भी मिल जाता है, और बॉटम ऑफ द माउंटेन पे हमें एक ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है जहां पर हर तरीके की फॉरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाती है। द प्लांट स्पीसी आर एक्सोटिक एंड हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द ट्रांस हिमालयन एरिया एंड दिस नेचुरल वेजिटेशन इज क्लासिफाइड एज बोरियल। बोरियल इज अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट एक्चुअली विच हैज इट्स ओरिजिन इन द रशियन एरिया। तो रशियन में इनफैक्ट जो साइबेरियन के नीचे है, साइबेरिया के नीचे कह रहा हूं मैं, साइबेरिया नहीं, साइबेरिया के नीचे बॉटम पे जो फॉरेस्ट कवर होती है, दिस इज एक्चुअली यू कैन से इट इज अ मिक्सचर ऑफ टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल। तो इनका जो ये मिक्स वेजिटेशन पाई जाती है उसी को बोला जाता है, इसी फॉरेस्ट को बोला जाता है बोरियल, और यही हमें मिलता है देखने को इन द लोअर रीचेस ऑफ ट्रांस हिमालयन एरिया। तो अगेन देख सकते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सोटिक एंड दिस हैज माइग्रेटेड फ्रॉम द ट्रांस हिमालयन एरियाज, एंड दिस इज बिकॉज The area has given a climatic condition where all kind of forest can make a growth here. तो इस तरीके से यहाँ पर growth हो जाती है. Plants which have come from the adjacent tropical region, उसको हम लोग paleotropical बोल देते हैं. तो this is kind of a language जहाँ पर आप देख सकते हैं कि condition एक ही है, बस इसको words अलग-अलग तरीके से use करके हम लोग लिख रहे होते हैं. तो again आपको exam में इसी तरीके की language ही लिखनी होती है. This is a kind of technical language you have to write in your examination, और इसी पे आपको marks भी अच्छे मिलते हैं. Those plants which came from the North Africa, अब देखिए ये वो plant होंगे obviously जो बाहर किसी कंट्री से आ रहे होंगे. अब नॉर्थ अफ्रीका से आ रहा है तो ऑब्वियसली इसको लेकर के आने में विंड का ही अपना एक कह लीजिए हेल्प लेना पड़ा होगा. दिस हैज इन्फ्लुएंस द वेजिटेशन ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि विंड जब अपने नॉर्थ अमेरिका रीजन से आएगा तो ऑब्वियसली यहां पर है सहारा, इस सहारा के बाद यहां पर आ जाएगी अरेबियन पेनिनसुला, और ये अरेबियन पेनिनसुला अगेन डेजर्टी है, फिर आगे बढ़ेगा ईरान होते हुए फिर पाकिस्तान आएगा, और ऑब्वियसली ये सारे इलाके कैसे हो चुके हैं डेजर्ट, और आगे बढ़ेगा तो अगेन राजस्थान का जो थार डेजर्ट का एरिया है वहां पर ये क्लाइमेट
ऐसी प्रोवाइड की जाएगी जिससे इस तरीके की वेजिटेशन जो नॉर्थ अफ्रीका में पाई जा रही है वो यहां पर ग्रो कर जाएगी। इनफैक्ट आपको देखने को मिलेगा जितने भी वायरस जैसे चाहे वो इबोला हो, चाहे नेपा वायरस हो, या कोई भी वायरस अगर होता है तो वो अगर अफ्रीका के कांगो में अगर डेवलप हुआ है, मतलब कांगो में अगर पाया गया है, तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी तरीके से इंडिया के केरला में जरूर पाया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर भी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाई जाती है, कह लीजिए कि एवरग्रीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट होती है। सिमिलरली यहां पर भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ही पाई जाती है। तो एक क्लाइमेटिक जो कह लीजिए कि फेवरेबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं फ्लोरा एंड फाउना, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कुछ भी हो, उसको ग्रो करने के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन की जरूरत होती है। और वही क्लाइमेटिक कंडीशन जब तक नहीं मिलेगी तब तक जो है डेवलपमेंट नहीं होगा। तो अगेन वही चीज यहां पर भी इसी वजह से देख सकते हैं कि एरिड और सेमी एरिड रीजन में जाकर के ये ग्रो कर रही होती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? एंड दोज वन सेकेंड दोज इमिग्रेटिंग फ्रॉम द इंडो मलेशिया, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया से निकल के आ रहा है, ऑब्वियसली ये कहां जाएगा? ये उस रीजन में जाएगा जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन हमें ऐसी मिले जो साउथ ईस्ट एशिया टाइप की हो। अब ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है? दिस इज अ वेरी ह्यूमिड रीजन, पहली चीज। दूसरा, इनका टेम्परेचर भी हमें हाई मिलता है और रेनफॉल ऑब्वियसली काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसा रीजन हमें कहां मिलेगा? ऐसा रीजन हमें मिलता है नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में और साथ ही साथ में अंडमान एंड निकोबार में। तो अंडमान एंड निकोबार एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इस तरीके की क्लाइमेट को एक कॉमन क्लाइमेट, एक कॉमन फेवरेबल एरिया प्रोवाइड करता है। इसी वजह से जो वेजिटल कवर साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाएगी ऑब्वियसली वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया एंड अंडमान निकोबार में पाई जाएगी। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कंडीशंस। दिस प्रोसेस ऑफ इमिग्रेशन ऑफ अनइनवाइटेड प्लांट स्पीसी इज नॉट ओनली कंटिन्यूअस बट हैज एक्चुअली बिकम मोर मार्क्ड विद द इंक्रीज इन कम्युनिकेशन विद अदर लैंड्स बोथ बाई सी एंड बाई एयर। तो इस तरीके से हमें कंडीशन मिलती है, चीजें जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाती हैं और अपना इस तरीके से स्प्रेड देखने को मिल जाता है हमें। क्लियर हो गया? तो इस तरीके की जो प्लांट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं या तो इन्वेसिव प्लांट के रूप में सामने आती हैं या फिर एक डोमिनेंट फॉर्मेट में आती हैं जिससे कि वो उसे थोड़ा मोड़ा कंपटीशन देखने को मिलता है। इनफैक्ट आप लोग एनवायरमेंट में पढ़े होंगे सक्सेशन का कंसेप्ट, ये सक्सेशन यहां पर भी देखने को मिलता है बट दिस सक्सेशन इज एक्चुअली द सेकेंडरी सक्सेशन। और ये जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है यही अल्टीमेटली इन प्लांट के डेवलपमेंट में और इनके मॉडिफिकेशन में सहायता देता है। जो लोग सेकेंडरी सक्सेशन या प्राइमरी सक्सेशन या सक्सेशन नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, इन्वायरमेंट जब हम लोग डिस्कस करेंगे विद इन द ज्योग्राफी इनफैक्ट तो हम लोग इसके कंसेप्ट को डिस्कस कर लेंगे। अभी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, आप बस ये समझ लीजिए कि कुछ एक कंडीशन होती है जहां पर कंपटीशन होता है, तो सक्सेशन को आप एक तरीके से कंपटीशन जो है ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखा जाए तो बेसिकली सम ऑफ द एग्जॉटिक वैरायटीज आर ट्रबलसम वीड्स, अगेन खरपतवार जो होती है, जैसे वीड्स को खरपतवार ही बोला जाता है और ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में काफी ज्यादा हमें रुकावट देती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन प्रोवाइड कर रही होती है जिसके कारण से हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है ताकि इन वीड्स को हटाया जा सके। लेकिन ये वीड्स अगर इनको हम हटा देते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव सॉइल प्रोवाइड करती है। तो अगेन हमें किसी ना किसी फॉर्मेट में इसको हम यूज कर लेते हैं जिससे कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी बढ़ जाती है। दे थ्राइव अंडर द कंडीशन ऑफ ट्रॉपिकल सन विद अबंडेंट मॉइस्चर, मल्टीप्लाई रैपिडली एंड स्प्रेड आउट एज देयर आर नो नेचुरल एनिमीज टू कर्ब देम इन द न्यू हैबिटेट। तो इस तरीके की कंडीशंस हो जाती हैं हमारे पास। इन द कोर्स ऑफ टाइम देयर इरेडिकेशन बिकम्स डिफिकल्ट, सीधी सी बात है। अगर जैसे एक छोटी सी कंडीशन में बताऊं, सपोज दिस इज अ फील्ड, मान लेते हैं ये कोई एग्रीकल्चरल फील्ड है और यहां पर आपने जो है वो गेहूं लगा के रखा हुआ है। सपोज यू हैव फॉर्म्ड हियर वीट, यहां पर आपने वीट जो है वो लगा के रखी हुई है, वीट की खेती आप कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, मान लीजिए कि आपने जीएम क्रॉप लगा के रखी हुई है तो इस पर एक नया पेस्ट अटैक हो जाता है और इसी पेस्ट अटैक के कारण से जीएम क्रॉप को जनरली जल्दी जो है इसे परमिशन नहीं दी जाती है, इसको सर्टिफाइड नहीं किया जाता है। मान लेते हैं दिस इज नॉट अ जीएम क्रॉप, दिस इज अ ट्रेडिशनल क्रॉप सपोज, एंड
यहां पर जो होती है वीट की कल्टीवेशन करके रखी गई है। मान लीजिए बाहर से कोई एक ऐसी क्रॉप आ जाती है और वो भी वाटर के साथ आ जाती है, जो इस वीट के खेत में जब वीट के फॉर्म में पहुंचती है तो यहां पर छोटे मोटे जो है वो कह लीजिए कि वीट्स उग जाते हैं। जब ये वीड उग रहे हैं तो ये क्या कर रही है कि आसपास की जो भी मॉइस्चर है, सॉइल में जो भी पानी है, मॉइस्चर है, उसको ये सोख ले रही है, या कह लीजिए कि उसको जो है ये खींच ले रही है, जिसके कारण से क्या होगा कि जो वीट की क्रॉप होंगी उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, उनको प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिलेंगे, जिसके कारण से ऑब्वियसली द क्रॉप इज गोइंग टू बी स्पॉइल। तो इस तरीके से क्रॉप जो है वो पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। और ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि ये एक नया स्पीसी आ गया है जो बेसिकली इस पूरे के पूरे रीजियन को इसने खराब कर दिया है। इस तरीके की स्पीसी को हम लोग बोलते हैं इनवेसिव स्पीसी। दिस इज अ इनवेसिव स्पीसी, जहां पर कंपटीशन होती है और अल्टीमेटली जो हमारी वहां की ओरिजिनल स्पीसी होती है वो खत्म हो जाती है और जो नई स्पीसी आई रहती है वो डोमिनेट कर जाती है और आसपास के एरिया को खराब कर देती है। तो इस तरीके से नेचुरल एनिमी के फॉर्मेट में निकल करके सामने आ जाते हैं। इन द कोर्स ऑफ टाइम इनका जो इराडिकेशन है ऑब्वियसली वो डिफिकल्ट होते जाता है, एंड दे इनवेड द लैंड एंड रिड्यूस द एरिया फॉर अदर यूसेस, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट विच आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एंड बिकम हजार्ड टू पब्लिक हेल्थ बाय इनडायरेक्टली हेल्पिंग द स्प्रेड ऑफ सेवरल डिसीजेस। जैसे इसी में अगर बात करते हैं, वीट में ही एक येलो रस्ट डिसीज होती है, दिस इज येलो रस्ट डिसीज, जो कि अगेन जो होता है हमें इस तरीके की एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दे रही होती है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती है और हमें काफी मशक्कत करनी पड़ जाती है। तो एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली हम लोग किस चीज पे फोकस कर रहे हैं। अगर हम लोग इस मैप में देखी जाए कि किस तरीके की वेजिटेशन कहाँ हो सकती है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर रीजन में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे इसे एरिया की, जहां पर ये माउंटेन एरियाज हैं, तो ये हम लोग माउंटेन एरिया को अलग कर लिए हैं। फिर हम लोग डेजर्टी एरिया को अलग कर लेते हैं, फिर हम लोग प्लेन्स को अलग कर लेते हैं, दीज आर द प्लेन एरियाज। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पर टेम्परेचर रिलेटिवली लो होता है और रेनफॉल भी रिलेटिवली लो होती है, दिस इज द लो रेनफॉल रीजन। लेकिन अगर यहां पर आएंगे तो ये हाई रेनफॉल रीजन है, और अगर टेम्परेचर के बारे में बात करें तो रिलेटिवली हाई टेम्परेचर यहां पर देखने को मिलती है कंपेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि इसकी जो एल्टीट्यूड है वो रिलेटिवली कम है, इसकी जो हाइट है वो रिलेटिवली कम है। अगर इस एरिया के बारे में बात करें, द असम एरिया, यहां पर भी हमें हाई टेम्परेचर एंड हाई वॉट, हाई रेनफॉल देखने को मिलता है, जिसके कारण से यहां पर ह्यूमिडिटी काफी हाई हो जाती है। सिमिलरली ग्रेट प्लेन्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर रिलेटिवली हाई होता है, इरिगेशन तो जरूर होता है लेकिन यहाँ पर रेनफॉल रिलेटिवली मॉडरेट होती है, आप ये बोल सकते हैं दिस इज अ मॉडरेट एरिया, जहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक कॉमन सिस्टम बना करके रखा गया है, एक जनरल सिस्टम बना के रखा गया है। यहां पर अगर बात करें तो टेम्परेचर यहाँ का काफी हाई होता है लेकिन रेनफॉल यहाँ पर रिलेटिवली लो होती है। अगर यहां पर बात कर लें, दिस इज द मालाबार एरिया, यहां पर अगर छोड़ दिया जाए तो दिस इज अगेन व्हाट, दिस इज हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल एरिया। तो यहां पर तो ये हो गया। डेकन एरिया में जब आ जाएंगे तो दिस इज वेरी हाई टेम्परेचर, यहां पर टेम्परेचर जो होगी वो काफी हाई होगी और रेनफॉल जो होगी वो काफी लो होगी। तो इस तरीके से यहां पर सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर जो सबसे स्पेशल एरिया है वो है ये ग्रेट प्लेन्स का इलाका। क्यों? क्योंकि ये एरिया एक ऐसा एरिया है जहां पर मॉनसून के कारण से जो यहां पर रेनफॉल होती है वो रेनफॉल यहां पर एक वेरिएशन देखने को मिलता है, और इस वेरिएशन के कारण से ही यहां पर जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो भी अगेन एक वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो यहां पर फॉरेस्ट की जो कह लीजिए कि वैरायटी है वो भी देखने को मिल जाएगी। तो एक आइडिया लगा बेसिकली। देखिए आंसर्स में आपको इसी तरीके का मैप और इसी तरीके का क्लासिफिकेशन दिखाना होता है, यहीं से आप बताएंगे बिकॉज ऑफ द रेनफॉल वेरिएशन एंड हाई टेम्परेचर यहां पर डेसीडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। डेसीडुअस फॉरेस्ट का मतलब होता है जो पतझड़ के वन होते हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी ऐसी रहेगी, टेम्परेचर जो है हाई लो होता रहेगा, जिसके कारण से जो इसके पत्ते होंगे वो पीले होकर के गिरना शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, पतझड़ के वन यानी डेसीडुअस फॉरेस्ट यहां पर देखने को मिल जाएगा। यहां पर अगेन दो तरीके की डेसीडुअस होते हैं, एक होते हैं जो ड्राई डेसीडुअस होते हैं और दूसरा होता है जो मॉइस्ट डेसीडुअस होता है। मॉइस्ट डेसीडुअस के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली ये ईस्टर्न एरिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर रेनफॉल रिलेटिवली
ज्यादा होगी और ये वेस्टर्न एरिया में देखने को मिलेगा। तो अगर आप वही कंसेप्ट वाइज जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये सारा का सारा सिस्टम खुद एनालाइज कर सकते हैं। आगे अगर बात करें हम लोग, तो हम लोग जरा देख लेते हैं फ्लोरिस्टिक रीजन ऑफ इंडिया के बारे में। फ्लोरिस्टिक रीजन का मतलब यही है कि जो इंडिया का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने इससे पहले वाले स्लाइड में, इससे पहले वाले मैप में किया है, उसी का क्लासिफिकेशन बेसिकली आप जरा देखेंगे और हम लोग मैप में भी इसे लोकेट करेंगे। तो ये दिया गया है हमारे सीसी कैल्डर ज्योग्राफर के द्वारा दिया गया है, नाम याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। इन्होंने 8 फ्लोरिस्टिक रीजन में इसको डिवाइड किया है, इसमें से एक रीजन इन्होंने बोला है ईस्टर्न हिमालयन रीजन। तो ये बेसिकली ईस्टर्न हिमालयन रीजन हो जाएगा क्योंकि यहां पर वेस्टर्न से थोड़ा सा अलग ये रीजन है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर जो है वो रिलेटिवली हाई होती है और रेनफॉल तो हाई है ही। दूसरा जो रीजन हो जाता है वो नॉर्थ वेस्ट हिमालयन रीजन है, दिस इज बेसिकली द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन, और यहां पर टेम्परेचर रिलेटिवली कम होता है और रेनफॉल भी रिलेटिवली कम देखने को मिलती है। असम यहां पर आ जाएगा, दिस इज असम रीजन, और अगेन यहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा देखने को मिलती है जिसके कारण से हमें यहां पर हाई ह्यूमिडिटी देखने को मिल जाती है। अगेन यहां पर आप गैंगेटिक प्लेन देख सकते हैं, दिस इज बेसिकली द गैंगेटिक प्लेन्स, और यहां पर हमें अगेन वेरिएशन देखने को मिल जाएगी, दिस इज बेसिकली द वेरिएशन रीजन यहां पर आप बोल सकते हैं। तीसरी जो रीजन हो जाती है वो इंडस प्लेन है। इंडस प्लेन कहने का मतलब ये है कि यहां पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा का एरिया आ जाएगा, क्योंकि यहां पर वही फाइव रिवर्स का रीजन हो जाएगा जिसको कि हम लोग इंडस प्लेन के नाम से जानते हैं। लास्टली आ जाएगा हमारे पास डेक्कन रीजन, मालाबार रीजन एंड द अंडमान निकोबार। तो ये पूरा जो साउथ का एरिया आप लोगों ने देखा है, इस मालाबार को कट कर दीजिए, तो दिस इज बेसिकली द डेक्कन रीजन, ये हो जाएगा हमारा डेक्कन रीजन, और यहां पर ये हमारी अंडमान निकोबार तो हो ही जाएगी, यहां पर आपको कोई डाउट नहीं होगा, और ये लास्टली जो होती है हमारी मालाबार रीजन हो जाएगी। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि आखिर में हमारे पास जो ये रीजन्स आए हैं, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डिस्कस द फ्लोरिस्टिक रीजन्स ऑफ इंडिया, तो हमें क्या ऐसे ही लिखना होगा? नहीं। देखिए यहां पर आप मैप तो बनाएंगे ही बनाएंगे, क्लासिफिकेशन आप दिखाएंगे ही दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ ये आठों जो फ्लोरिस्टिक रीजन्स है इनको भी आपको डिस्कस करना होगा, इनके भी बारे में बताना होगा। तो आप क्या बताएंगे और कैसे बताएंगे? तो देखिए इस तरीके का जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है या फिर आप बुक से भी स्टडी कर रहे हैं, तो आप बेसिकली यहां पर 4-5 पॉइंट पाएंगे, और ये 4-5 पॉइंट बेसिकली द कैटेगरी होती है। इसमें पॉइंट क्या होते हैं? सबसे पहले आपको बताना होगा लोकेशन, कि आखिर में लोकेशन कौन सी है। यहां पर आप स्टेट वाइज भी जा सकते हैं या आप लैटिट्यूड वाइज जा सकते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाइज भी जा सकते हैं। तो अगेन जो होता है ये दोनों तरीके हो जाएंगे आपके पास जहां से आप मूव कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो है कि यहां पर आप क्लाइमेट बताएंगे, यहां पर क्लाइमेट का मतलब ये हो गया कि यहां का टेम्परेचर कैसा है, यहां का रेनफॉल कैसा है, ठीक है, तो यहां पर ह्यूमिडिटी कैसी हो गई, तो ये बेसिकली आप क्लाइमेटिक कंडीशंस बता देंगे। साथ ही साथ अगर रीजियन कोस्टल इलाका है, मतलब कि अगर मान लीजिए ओशियन के एक्सपोज्ड है, तो आप ये भी बताएंगे कि यहां पर किस तरीके के लैंड ब्रीज या सी ब्रीज का भी इफेक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। तीसरी जो चीज यहां पर आप बताएंगे वो ये बताएंगे यहां की सॉयल या यहां का इरिगेशन, मतलब कि यहां पर वाटर अवेलेबिलिटी बेसिकली कैसी है, और इस वाटर अवेलेबिलिटी के जरिए आप बताएंगे यहां पर किस तरीके की फॉरेस्ट होती है, तो फॉरेस्ट के बारे में आप बता देंगे। लास्टली अगर आप बताना चाहें तो यहां का इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बता सकते हैं। तो ये बेसिकली 5 पॉइंट्स होंगे जहां पर आप इन 8 फ्लोरिस्टिक रीजन्स के बारे में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एक करके अगर डिस्कस किया जाए, सपोज हम बात करते हैं कि हमें जो है वो देखना है, वन सेकेंड, अगर हमें देखना है द ईस्टर्न हिमालयन रीजन के बारे में, तो ईस्टर्न हिमालयन रीजन के बारे में सबसे पहले आप लोकेशन क्या बताएंगे कि ये वो इलाका है जहां पर कई सारे माउंटेन्स हैं, जैसे मिशमी हिल्स हो गई या फिर डाफला हिल्स हो गई, ठीक है, तो ये इलाके के बारे में आप बेसिकली बता देंगे, दीज आर द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया ऑफ द इंडिया विच आर एक्चुअली इन द नेबरहुड ऑफ म्यांमार, ठीक है।
तो इस तरीके से आपने लोकेशन बता दिया। लैटिट्यूड देखिए ऐसा आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर जो वेरिएशन होता है वो बहुत ही छोटा वेरिएशन है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि 30 डिग्री 40 डिग्री के बीच वाला जो लैटिट्यूड होगा दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज जो चेक करने वाला है वो भी अगेन उसको इतना ज्यादा स्पेसिफाइड नॉलेज नहीं होगी, तो आपको बताना भी नहीं है। दूसरा फिर क्लाइमेट पे आप आ जाएंगे, यहां पर आप बताएंगे कि ये जो है वो मॉनसून को एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है जिसके कारण से यहां पर विंड्स जो होती है मूव कर जाती है, और विंड के मूव करने के कारण ही हमें यहां पर हैवी रेनफॉल देखने को मिल जाता है। तो क्लाइमेट भी आपने बता दिया, टेम्परेचर आपने, रेनफॉल इसने, और ह्यूमिडिटी आपने यहां पर डिस्कस कर दिया एक एक पॉइंट बना करके। फिर अगर आप सॉइल्स के बारे में बात करेंगे तो यहां पर आप बता देंगे द एरिया इज एक्चुअली रॉक बेल्ट एंड दैट इज वाई द सॉइल हियर इज नॉट प्रोडक्टिव एज मच दैट इज प्रेजेंट इन द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, जिसके कारण से यहां पर रेनफॉल तो काफी ज्यादा होती है लेकिन ये रेनफॉल एक्चुअली ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट नहीं होती है, एक्वीफर जो है यहां पर नहीं बन पाता है, जिसके कारण से द होल वाटर विच इज कलेक्टेड थ्रू द रेन इज वेंट थ्रू द रिवर्स विच अल्टीमेटली गेट्स इन टू द ओशियन, तो इस तरीके से ओशियन में जाकर के मिल जाता है और यहां पर जो भी रेनफॉल के कारण से जो हाई वाटर अवेलेबिलिटी है वो यूज नहीं हो पाती है। तो काइंड ऑफ यहां पर हमें मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट कंडीशन देखने को मिलती है। क्लियर हुआ क्या चीज है, जिसके कारण से यहां पर जो भी मान लीजिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करनी भी होती है वो एक टेरेस फार्मिंग करनी पड़ती है, सीढ़ी नुमा खेती करनी पड़ जाती है। तो आपने यहां पर यह सिस्टम दिखा दिया। अब यहां पर आप फॉरेस्ट के बारे में बता देंगे, आप बताएंगे ये इलाका कि यहां पर जो फॉरेस्ट है वो बेसिकली लेयर्ड टाइप में मिल जाते हैं, मतलब कि यहां पर एक तो ट्रॉपिकल एरिया भी है साथ में टेम्परेट भी है, एंड द अल्पाइन ओरिजिन के भी कुछ प्री ट्रीज मिल जाते हैं लाइक कोनीफेरस ट्रीज हो गए। फिर आप इनमें कुछ एग्जांपल भी बता सकते हैं जैसे साल हो गए, ओक हो गए, चेस्टनट हो गया, बैम्बू हो गया, फाइन हो गया, पर हो गया, बर्च हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने होंगे, इनको आपको कोट करना होगा। समझ में आ गया क्या है ईस्टर्न हिमालयन रीजन के बारे में। सिमिलरली नॉर्थ वेस्टर्न के बारे में बात कर लें अगर, तो अगेन यहां पर आप बता देंगे दीज आर द रीजन्स विच आर एक्चुअली इन बिटवीन पीर पंजाल, काराकोरम एंड जितने भी यहां पर माउंटेन रेंजेस है उसकी लोकेशन बता देंगे, स्पेशल स्टेट्स बता देंगे जैसे कि यहां पर जम्मू कश्मीर हो गए या फिर हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड के कुछ पार्ट्स हो गए, तो ये इलाका आप बता देंगे यहां पर लोकेशन क्या है। क्लाइमेट के बारे में अगेन यहां पर बात करेंगे तो यहां पर आप बता देंगे इन द विंटर या फिर कह सकते हैं इन द समर एरिया द रेनफॉल गेट्स एक्यूमुलेट बट इन अ वेरी स्कैंटी वे, बट इन द विंटर ऑल्सो द रीजन गेट्स द रेन फ्रॉम द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो इस तरीके से जो है आप यहां पर बता देंगे एरिया जो है वो रेनफॉल होती है। दूसरी चीज यहां पर आप बता देंगे कि माउंटेन एरिया होने के कारण से यहां पर एडियाबेटिक कंडीशन की वजह से रेनफॉल भी देखने को मिल जाती है, यानी ओरोग्राफिक रेन हमें रेगुलरली देखने को मिल जाती है, जिसके कारण से अगेन यहां पर जो फॉरेस्ट होती है वो भी अलग अलग लेयर्ड फॉर्मेट में होती है, लाइक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी हो गई, टेम्परेट फॉरेस्ट हो गई, और साथ ही साथ में एल्टीट्यूड की वजह से कोनीफेरस फॉरेस्ट भी हमें देखने को मिल जाती हैं। तो यहां पर अगेन वही आप बोल देंगे दीज आर बेसिकली द सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड एल्पाइन वेजिटेशन टाइप ऑफ फॉरेस्ट विच इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन। क्लियर हो गया। अगेन यहां पर आप कुछ एग्जाम्पल्स लिख देंगे जैसे साल, ओक, टीक, चेस्टनट, ठीक है, तो ये बेसिकली यहां पर आप चीजों के बारे में बता देंगे। क्लियर हो गया क्या चीज है। आप यहां पर चिर का नाम जरूर बताइएगा क्योंकि फॉरेस्ट फायर लगातार यहां पर नोटिस की गई है, और चिर फॉरेस्ट एक ऐसे ट्रीज होते हैं जो बेसिकली फॉरेस्ट फायर को काफी तेजी से स्प्रेड करते हैं। क्लियर हो गया। असम रीजन, गंगटिक रीजन, इसी तरीके से आप सारे रीजन के बारे में लिख सकते हैं, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो 4 to 5 points आप बहुत ईजिली हर एक चीज के बारे में दिखा सकते हैं और साथ ही साथ में आप मैप भी दिखा सकते हैं। आगे अगर बढ़ा जाए तो अब जरा बात कर लेते हैं स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया। तो जहां पर भी स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आ जाएगा तो ऑब्वियसली आपको स्टेटस बताना पड़ेगा कि आखिर में किस जगहों पर कितना फॉरेस्ट है। इस स्टेटस में मैं कहूंगा कि जो भी फॉरेस्ट रिपोर्ट आई हुई है उस फॉरेस्ट रिपोर्ट को आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कहां कहां पर ज्यादा फॉरेस्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एरिया बता दिया जाए तो देखिए नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है इस एरिया में नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इस एरिया में काफी ज्यादा फॉरेस्ट हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन ये ओवरऑल नहीं, दिस इज द फॉरेस्ट पर यूनिट एरिया, ये ज्यादा
मिलती है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो चाहे वो इस एरिया में हो, असम के एरिया में नहीं, बिकॉज असम का एरिया जो है वो प्लेन एरिया है। फिर उसके बाद से मध्य प्रदेश में आप आ जाइए, यहां पर भी काफी ज्यादा फॉरेस्ट है, छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा फॉरेस्ट है, एंड सिमिलरली कर्नाटक का एरिया, तमिलनाडु का एरिया और केरल का एरिया, यहां पर भी हमें फॉरेस्ट काफी ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। बाकी जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज ऑल दीज एरिया ऑल्सो हैज सम फॉरेस्ट रीजन्स। तो इस तरीके से आप यहां पर दिखा सकते हैं, लेकिन जो मेन कंसंट्रेशन है वो इसी एरिया में आपको देखने को मिलेगा, डेक्कन के एरिया में, या फिर बोल दीजिए कि पेनिनसुलर इंडिया में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगेन वही फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको याद करनी पड़ेगी जो भी अपडेटेड होगी, ठीक है। तो आप बेसिकली करंट अफेयर्स के थ्रू इस फॉरेस्ट रिपोर्ट को इंटीग्रेट कर लीजिएगा। यहां पर जो डेटा लिया गया है वो थोड़ा सा पुराना डेटा है, बट अगेन हेल्प करेगा आपको, क्योंकि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती है, मोर और लेस सेम ही रहती है। जैसे कि अगर बात किया जाए टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है जो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज अबाउट 675,500 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज एक्चुअली इक्वल टू द 22.5% इज अंडर फॉरेस्ट। हालांकि एरिया जो है वो इंक्रीज कर गया है, 24.5 है, जो कि प्लांट को लेकर के है, तो इस वजह से अगेन जो है 23.23 के नियर अबाउट में जो है फॉरेस्ट कवर हो चुका है, तो ये बढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, 33% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट, हाउएवर द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट एरिया इज मच बिलो द डिजायर्ड लेवल। देख सकते हैं कि आप नियर अबाउट 10% अभी शॉर्ट है। हिमालयन माउंटेन्स जैसे भाबर, तराई, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटू और ये सो जो रीजियंस हैं, दीज आर द मेन एरियाज ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट, क्योंकि ये इलाका जो है थोड़ा सा ट्राइबल्स का इलाका हो जाता है और ट्राइबल्स के लिए फॉरेस्ट ही इनके सब कुछ होते हैं। अनफॉर्चुनेटली अबाउट 5-6% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री इज अंडर द कैटेगरी ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, एंड एक्चुअली दीज फॉरेस्ट आर डिग्रेडेड बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग कल्टिवेशन विच इज बींग प्रैक्टिस्ड बाई द ट्राइबल्स। तो जो यहाँ के लोकल लोग हैं बेसिकली उनके द्वारा ये काम किया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, शेड्यूल 5 में माइनर फॉरेस्ट राइट भी दिए गए हैं, जिसके कारण से अगेन जो होती है फॉरेस्ट की कटिंग देखने को मिल जाती है, बट अगेन दे आर प्रोटेक्टेड बिकॉज इन द ट्राइबल कल्चर फॉरेस्टेशन, जो एफॉरेस्टेशन होती है वो उनकी पॉलिसी होती है, इस वजह से ऐसा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप इन चीजों को दिखा सकते हैं, कल्चर को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा द फॉरेस्ट एरिया इन द इंडिया इज मच बिलो द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 34.5% दैट ऑफ द ब्राजील, स्वीडन में भी 58% है, यूएस में 42% है, जर्मनी में 61%, लेकिन सबसे ज्यादा हमें भूटान में देखने को मिलती है। इनफैक्ट भूटान में मोर देन 70% ऑफ द एरिया इज अंडर फॉरेस्ट। इनफैक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भूटान इट इज बीइंग रिटन दैट द 60% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री नीड टू बी अंडर फॉरेस्ट, और इस वजह से अगेन जो है फॉर भूटान में एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। इनफैक्ट भूटान में कभी आपको अगर जाने का मौका मिलेगा तो वहां पर आप देखेंगे कि एक तो वहां पर टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट तो नहीं किया जाता है, इनफैक्ट अगर आप जाएंगे तो कई सारे मुश्किल आपको आएंगे, और इनफैक्ट अगर आप बोला जाएगा कि नेक्स्ट टाइम आप जाना चाहेंगे कि नहीं, तो आप बेसिकली कहेंगे नहीं भाई वहां पर तामझाम बहुत ज्यादा है, और इस तरीके से वहां पर जो होता है ये काफी ज्यादा रोकते हैं बाहर के लोगों को आने के लिए। उनका दो कारण है, एक तो वो कहते हैं कि अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वेजिटेशन को खतरा होगा, दूसरा हमारे ट्राइबल नेचर को भी खतरा होगा। इनफैक्ट अगर कभी भूटानीज को आप देखेंगे तो भूटानीज आप अपना कल्चर ही प्रमोट करते रहते हैं। चलिए खैर वापस आते हैं हम लोग और देखते हैं फॉरेस्ट में। तो सिमिलरली द पर हेड फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज ओनली 0.0 पर हेक्टेयर एज पर द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 1.1 हेक्टेयर, कनाडा में 23 हेक्टेयर है, ब्राजील में 8.6 हेक्टेयर है। तो एक आध दो का नाम आप याद कर लीजिएगा, बट ऐसे बहुत ज्यादा फाइट यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा जो होता है डेटा देखिए काफी ज्यादा अगर हो जाएगा तो याद रह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टिल फॉरेस्ट रिपोर्ट में कहूंगा आप लोग ध्यान में रखिएगा, वो उसका काफी ज्यादा यूज हो जाता है, नॉट ओनली इन द ज्योग्राफी ऑप्शनल बट ऑल्सो इन योर जीएस, वहां पर भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। इट मे बी ऑब्जर्व दैट द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया लाइज इन द पेनिनसुलर इंडिया अकाउंटिंग फॉर 57% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया। तो जैसा कि अगेन बोला गया है कि पेनिनसुलर इंडिया में सबसे ज्यादा पाया गया है, इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द इंडिया में भी हमें ज्यादा फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिमालयन रीजन हैज द सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया हैविंग 18% ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट ऑल्सो हैव फॉरेस्टेड रीजन, लाइक 10% ऑफ द रीजन जो है वो
पाया जाता है, जबकि ग्रेट प्लेन्स में अगर बात करेंगे तो ओनली एंड ओनली 5% ऑफ द एरिया इज अंडर फॉरेस्ट। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि ग्रेट प्लेन्स जो होता है वो दे आर नोन फॉर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, और अगर फॉरेस्ट होगा भी तो उसको कट डाउन करके वहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी जाती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो लार्जेस्ट एरिया अंडर द फॉरेस्ट है, और फॉलोड बाई अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहां पर मैं कहूंगा कि फॉरेस्ट रिपोर्ट आप देख लीजिएगा, उसके साथ में ही इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। हालांकि डेटा अभी भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा मोड़ा ही केवल चेंज देखने को मिला है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मिजोरम का जो है एरिया अंडर द फॉरेस्ट वो काफी ज्यादा हो जाता है, मतलब पर एरिया, पर हेक्टेयर एरिया अगर देखेंगे तो एरिया ज्यादा, परसेंटेज ज्यादा देखने को मिलता है, और इस तरीके से रैंक वन मिजोरम आ जाती है, फॉलोड बाई नागालैंड एंड ऑल दैट, ये सब जो है आगे देखने को मिल जाती है। इसको आप लोग याद रखिएगा, आगे यूज कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा परसेंटेज एरिया है, जैसे हिमालयन एरिया में 18% के नियर अबाउट में परसेंटेज फॉरेस्ट है, ग्रेट प्लेन्स में 5% है, पेनिनसुलर एरिया में 57% है, 10% ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट, एंड देख सकते हैं यहाँ पर चीजें क्लियर हो गया क्या है। आगे अगर बात किया जाए तो हम लोग जरा देख लेते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट। अब यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट है वो बेसिकली 5 तरीके से किया गया है। एक है बेस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरी है बेस्ड ऑन कंपोजिशन, थर्ड वन इज द बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मर्चेंटेबिलिटी एंड एक्सप्लॉयटेबिलिटी। अगर आप यहां पर इसको सब सिस्टम में डिवाइड करेंगे तो यहां पर देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से देखा जाए तो कुछ फॉरेस्ट होते हैं जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, और लास्टली जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट होते हैं। यहां पर अगर इसके डिटेल के बारे में देखा जाए तो देखिए फॉरेस्ट एरिया मतलब रिजर्व फॉरेस्ट वो होते हैं जिनकी आप कटिंग नहीं कर सकते हैं, दे आर द रिजर्व फॉरेस्ट, लेकिन उनपे नंबरिंग भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो वो एरिया फॉरेस्ट एरिया ऑलरेडी डिक्लेयर होता है और वहां पर किसी प्रकार की कटिंग नहीं की जा सकती है, यहां पर कटिंग जो है वो बैन होता है। इनफैक्ट बिहार ने अभी फिलहाल में जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे फॉरेस्ट है उसको कट डाउन करना मना कर दिया है, मतलब उसको एक अपराध मान लिया गया है, बैन ऑन कटिंग ऑफ द प्लांट कर दिया गया है। तो ये बेसिकली रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। दूसरे होते हैं जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, ये कुछ कम्युनिटी एरियाज होते हैं जहां पर एफॉरेस्टेशन की जाती है और उसको कट नहीं किया जाता है। इसके अंडर में सोशल फॉरेस्ट्री भी आ जाती है जहां पर नंबरिंग कर दिया जाता है और उसको प्रोटेक्शन में अंडर मॉनिटरिंग रखा जाता है, जिसके कारण से वहां पर हम लोग कोशिश यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एरिया अंडर द फॉरेस्ट जो है वो बनाई जा सके। तीसरी हो जाती है जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट होते हैं, लाइक सड़क के किनारे हो गया या फिर डिवाइडर पे हो गया या खेतों के पास में हो गया, लाइक पेड़ एक जो है बेसिकली स्कीम लगाई गई है, तो ये सब जो एरियाज आ जाते हैं, सब जो फॉरेस्ट आ जाते हैं वो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के अंतर्गत आ जाते हैं इफ द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट आर बीइंग डन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर हो गया। दूसरा जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, नाम से ही आपको देख रहा होगा, तो एक है कॉनिफर फॉरेस्ट एंड द सेकेंड वन इज द ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। कॉनिफर फॉरेस्ट वो होते हैं जो बेसिकली कोन शेप के होते हैं एंड दीज आर बीइंग फाउंड एट द अपहिल्स ऑफ द माउंटेन, ये बेसिकली एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, हाइट पे पाए जाते हैं, उसके नीचे जो होते हैं वो ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट होते हैं। तो अगेन जो होती है ये कंपोजिशन के बेसिस पे हो जाता है, जहां पर एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि एक हो गया जो माउंटेन पे अपहिल्स पे पाई जा रही है और दूसरी जो बॉटम पे पाई जा रही है, तो इस तरीके से ये कंपोजिशन के बेसिस पे फॉरेस्ट हो जाता है। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिस पे अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट जो होती है वो तीन तरीके से डिवाइड की गई है, एक जो गवर्नमेंट ओन्ड होती है जो गवर्नमेंट के लिए होती है, दूसरी जो कमर्शियल होते हैं बेसिकली जो सागौन या फिर ऑल बाकी जो फॉरेस्टेशन की जाती हैं वो कमर्शियलाइजेशन के लिए की जाती है, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, जैसे मान लीजिए कि जो होता है वुडन अगर कोई ब्लॉक बनाना है या कोई भी वुडन एक्टिविटी करनी है तो उस तरीके से वो कमर्शियलाइजेशन किया जाता है। जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर आप जो है फॉरेस्टेशन कर सकते हैं और उससे जो भी प्लांट या जो भी ट्री निकल के आएगा उससे हम अपना कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। तीसरी जो होती है वो प्राइवेट फॉरेस्ट होती है, दे आर ईदर ऑफ द पब्लिक और द प्राइवेट एंटिटी, तो दोनों ही तरीके से हो सकती हैं, तो ऐसा बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। थर्डली हो जाता है जो मर्चेंटेबिलिटी होती है, मर्चेंटेबिलिटी का मतलब ये होता है जहां पर आप इसकी खरीद बेच कर सकते हैं और दूसरी जो है जहां पर नहीं कर सकते हैं, तो अगेन यहाँ पर जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको यहाँ पर रख लिया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर पूरा का पूरा जो काम किया जाता है वो पूरी
मर्चेंटेबिलिटी बेस्ड फॉरेस्ट यहां पर रखे जाते हैं। लेकिन अगेन यहां पर भी कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो प्रोटेक्टेड होते हैं, जिनको मर्चेंटेबिलिटी नहीं कर सकते हैं, दैट इज व्हाई दे आर बीइंग क्लासिफाइड अंडर नॉन मर्चेंटेबल फॉरेस्ट। लास्टली एक्सप्लॉयटेबिलिटी के बेसिस पे हो जाता है, जो एक्सप्लॉयटेबल फॉरेस्ट, पोटेंशियली एक्सप्लॉयटेबल एंड अदर फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। हालांकि ये देखिए ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है और आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा। दिस इज जस्ट टू गिव यू अ फील कि किस तरीके से आप इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी देयर ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन ये क्लासिफिकेशन बेसिकली कुछ ज्योग्राफर के द्वारा भी किया गया, जैसे स्टैम्प के द्वारा किया गया और बहुत सारे और भी लोग हैं, अभी वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस भी करेंगे। लेकिन खैर ये आप क्लासिफिकेशन देख सकते हैं जो अलग अलग काम के बेसिस पे, अलग अलग कह लीजिए कि पर्सपेक्टिव के बेसिस पे, कंटेक्स्ट के बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। हालांकि ये डिवीजन जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट डिवीजन है, ये किसी भी तरीके से जिस तरीके से आप सोचेंगे उस तरीके का डिवीजन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए जो क्लासिफिकेशन एलडी स्टैम्प के द्वारा किया गया है और यहां पर जो क्लासिफिकेशन है वो आपको बेसिकली याद रखना है। ये जो क्लासिफिकेशन की गई है वो रेनफॉल के बेसिस पे की गई है, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए जो कि मोर देन 200 सेंटीमीटर एरिया में पाए जाएंगे, ये एरिया बेसिकली ऑब्वियसली ह्यूमिड होगा। रीजियंस के बारे में अगर बात किया जाए तो यहां पर नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया आ जाएगा पहला नंबर, दूसरा नंबर वेस्टर्न घाट या फिर कह लीजिए कि मालाबार का जो एरिया है वो आ जाएगा, तो वेस्टर्न घाट का एरिया आ जाता है। तो ये बेसिकली एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंडर आ जाते हैं। इसके बारे में भी अगर लिखना होगा तो वही जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में सिखाया, सबसे पहले लोकेशन, फिर उसके बाद से वहां की ज्योग्राफिक कंडीशन, टोपोग्राफी, थर्डली क्लाइमेट के बारे में, फिर आप आ जाएंगे यहां पर कितने तरीके की फॉरेस्ट पाई जाती है। फॉरेस्ट का मतलब कितने तरीके के पेड़ पाए जाते हैं, चीड़ हो गया, महोगनी हो गया, नो ऑल दैट जो भी चीजें होती हैं वो यहां पर बता देंगे। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली मॉनसून फॉरेस्ट का है और ये मॉनसून फॉरेस्ट बेसिकली 100 टू 200 सेंटीमीटर के होंगे। ये फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं वो बेसिकली ग्रेट प्लेन्स में पाए जाते हैं, तो दे आर बेसिकली द ग्रेट प्लेन्स फॉरेस्ट और ये सेमी ह्यूमिड एरिया में पाए जाते हैं, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाके हो गए, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो ये जो एरियाज है वो बेसिकली मॉनसून फॉरेस्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। थर्ड होती है ड्राई फॉरेस्ट। ड्राई फॉरेस्ट वो होती है जो बेसिकली 50 और 100 सेंटीमीटर के नियर अबाउट में रेन्स होती है और ये बेसिकली ड्राई या फिर बोल सकते हैं दीज आर द सेमी एरिड रीजियंस। ये सेमी एरिड रीजन आपको साउथ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, डेक्कन में देखने को मिल जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश का एरिया हो गया, तेलंगाना का एरिया हो गया, तमिलनाडु का हो गया, कर्नाटक का एरिया एंड सम पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, तो ये बेसिकली यहां पर ड्राई फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी ड्राई फॉरेस्ट और हरियाणा में भी ड्राई फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लास्टली आ जाती है डेजर्ट फॉरेस्ट। जो डेजर्ट फॉरेस्ट है बेसिकली गुजरात के रीजन में और राजस्थान के रीजन में पाई जाती है, जहां पर रेनफॉल जो होती है लेस देन 50 सेंटीमीटर होती है और यहां पर काफी ज्यादा वेरी ड्राई डेजर्ट देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है एलडी स्टैम्प के द्वारा। यहां पर बेसिकली फोर टाइप ऑफ वेजिटेशन केवल और केवल, फोर टाइप ऑफ फॉरेस्ट केवल और केवल बताई गई है, वो भी बेस्ड ऑन रेनफॉल, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो एचडी चैंपियन के द्वारा की गई है। हालांकि इनका जो क्लासिफिकेशन था वो भी रेनफॉल और टेम्परेचर के ही बेस्ड था, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा कैटेगराइजेशन को और बढ़ाया है, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन कर दिया इन्होंने एवरग्रीन को, जो कि स्टैम्प ने एवरग्रीन बताया था इन्होंने ट्रॉपिकल एवरग्रीन बता दिया, जो कि कहां पाई जाएगी, ये पाई जाएगी आपके मालाबार के रीजन में। तो ये बेसिकली जो एरिया है वो आप बोल सकते हैं दिस इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन, यहां पर भी और साथ ही साथ यहां पर भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन पाई जाएगी। तो इसको मैं अलग अलग कलर से यहां पर नोट करते जाता हूं, डिनोट कर दूंगा, जैसे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो ये बेसिकली ट्रॉपिकल एवरग्रीन का इलाका हो गया है, समझ में आ गया। आगे अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन होने दिया ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस का मतलब ये हो गया कि वो इलाके जो बेसिकली इसी के इर्द गिर्द है, जैसे कि कह लीजिए असम का इलाका हो गया, ये इलाका जो है वो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस में आ जाता है। सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल भी यहां पर आ जाएगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस में आ जाएगा। सिमिलरली ईस्टर्न घाट के भी कुछ पार्ट जो होता है वो मॉइस्ट डेसिडुअस में आ जाते हैं, क्योंकि यहां पर कोस्टल क्लाइमेट पाई जाती है, तो ये जो इलाका है बेसिकली वो मॉइस्ट डेसिडुअस इलाके में आ जाते हैं। फिर इसके पास से आ जाती है ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्नी का मतलब ये हो जाता है
कि जहां पर सूखे टाइप के पेड़ पाए जाएंगे। तो ऑब्वियसली यहां पर बीच में एक जो जे कर्व होता है, ये बेसिकली पूरा इलाका जो है वो ट्रॉपिकल थॉर्नी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो जे वाला क्षेत्र है पेनिनसुलर इंडिया का, यहां पर ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट होते हैं सब ट्रॉपिकल माउंटेन। अब देखिए, ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल हो गया है और माउंटेन, तो ऑब्वियसली ये जो इलाका होगा ये यहां पर बॉर्डर बना रहा होगा। तो ये जो बॉर्डर के इलाके हैं वो यहां पर इस तरीके की क्लाइमेट देखने को मिल जाती है। तो ये बेसिकली जो इलाका है वो सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलती है, तो ये इलाका। इसके बाद नेक्स्ट आती है ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट। जो ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट होती है ये हमें कह लीजिए कि ड्राई है, इस वजह से हमें वेस्टर्न यूपी इस साइड में देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर बेसिकली ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट मिल जाएगा। बाकी जो बचा हुआ ग्रेट प्लेन्स का पार्ट है वहां पर मॉइस्ट डेसीडुअस मिल जाएगा। हालांकि यहां पर फिलहाल यहां पर जो क्वेश्चन बोला गया है वो हिमालयन मॉइस्ट है। तो हिमालयन मॉइस्ट का मतलब बॉटम ऑफ द एरिया में जो पाया जा रहा है, तो ये बेसिकली हिमालयन मॉइस्ट यहां पर देखने को मिल जाएगा। देखिए यहां पर कुछ ऐसा याद नहीं करना है, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग पुट करना है और यहां पर चीजें मिल जाएंगी। आप देखिए यहां पर एक विंग यहां पर क्लाइमेट की जाती है, मतलब साउथ ईस्ट विंड की जाती है, तो ये इलाका भी जो है वो मॉइस्ट एरिया बन जाएगा। तो ये भी मॉइस्ट एरिया का ही पार्ट बना हुआ है, क्लियर। इसके बाद है ड्राई टेम्परेट। ड्राई टेम्परेट ऑब्वियसली इलाका इससे जस्ट ऊपर का होगा, जो थोड़ी सी हाइट लिया होगा। तो ड्राई टेम्परेट जो होती है वो इस इलाके में हमें देखने को मिल जाएगा। दीज आर द एरियाज ऑफ द ड्राई टेम्परेट। और यहां पर भी ये मॉइस्ट वाला ही है, खैर मैं इसको ड्राई बना दिया हूं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है माउंटेन वेस्ट टेम्परेट। माउंटेन वेस्ट टेम्परेट का मतलब हो जाता है कि यहां पर जो हरियाणा वाला रीजन है, ये इलाका आप बोल सकते हैं कि दीज आर द माउंटेन टेम्परेट, जो हाइट पे है अरावली के पास में जो इलाका है वहां पर आप बोल सकते हैं कि हमें इस तरीके की टेम्परेचर देखने को मिल जाएगी। अल्पाइन है, सब अल्पाइन ऑब्वियसली टॉप मोस्ट इलाका ये हो जाएगा अल्पाइन वाला रीजियन। क्लियर हो गया क्या चीज है? इसको मैं थोड़ा सा फोटोग्राफ बना दूं, तो ये बेसिकली जो इलाका है वो अल्पाइन देखने को मिल देगा। फिर डेजर्ट फॉरेस्ट। डेजर्ट फॉरेस्ट तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप यहाँ पर लोकेट आप कर सकते हैं कि ये जो बेसिकली जो रीजियन है ये पूरा का पूरा जो है वो डेजर्ट एरिया है। कच्छ का भी एरिया हो गया, तो ये बेसिकली एरिया जो है डेजर्ट का एरिया हो जाएगा। फिर टाइडल एंड मैनग्रोव। टाइडल एंड मैनग्रोव में आपको बताने की अगेन कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर खुद ही लोकेट कर सकते हैं कि ये जो रीजन है बांग्लादेश का इलाका, सम पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, ये जो इलाका है बेसिकली यहाँ पर ट्रॉपिकल या फिर टाइडल मैनग्रोव देखने को मिल जाता है। बाकी जो बचे हुए रीजन है बेसिकली वहां पर हमें मॉइस्ट टाइप की क्लाइमेट देखने को मिलती है। जितना भी बचा हुआ पोर्शन है सब में हमें मॉइस्ट कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो ये बेसिकली जो एरिया रह गए हैं मॉइस्ट में सब देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो इस तरीके से अगेन आप एक मैप ड्रॉ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एचजी चैंपियन साहब ने जो बोला है बेसिकली वो सारा का सारा टेम्परेचर और रेनफॉल के ही फंक्शन पे इन्होंने अपनी वेजिटेशन का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं बेसिकली जो टोटल फॉरेस्टेड एरिया जहां पर ट्रॉपिकल मॉइस्चर जो है वो सबसे ज्यादा है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, लेकिन ये जीएस प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जहां पर पूछ दिया जाता है कि किसकी फॉरेस्ट ज्यादा है। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडुअस जो है वो सबसे ज्यादा है, देख सकते हैं पूरे इंडिया में ही फैला हुआ था। जो बचा हुआ पोर्शन था ये क्या है, देखिए ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया ये क्या है आखिर में, यही ना है। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडुअस सबसे ज्यादा है, देन ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडुअस हो जाता है, फिर एवरग्रीन, सब ट्रॉपिकल, माउंटेन, अल्पाइन, ट्रॉपिकल थॉर्नी, लास्टली जो है वो मैनग्रोव हो जाता है। हालांकि मैनग्रोव का परसेंटेज चेंज हुआ है, बट अगेन जो होता है दिस इज नॉट एज सच वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेमोराइज, छोड़ सकते हैं आप इसको। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फॉरेस्ट और साथ ही साथ में प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉरेस्ट के बारे में, और हम देखेंगे फॉरेस्ट पॉलिसी के भी बारे में और उससे रिलेटेड कुछ और डिस्कशंस, और थोड़े पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में भी डिस्कस करके हम लोग इस डिस्कशन को खत्म करेंगे। और इस तरीके से हम लोग वेजिटेशन वाला टॉपिक कंप्लीट करके हम लोग आ जाएंगे अपने रिसोर्स और इंडस्ट्री के टॉपिक में। कोशिश हमारी यही है कि रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे हर रोज 10 बजे अपने सेम टाइम पर। क्लास को एक बार चेक कर लिया करिए, यहां पर जो होती है लाइव डिस्कशन चली रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।